नमस्कार दोस्तों, मैं सागर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल वेट सजेशन पर। आज कुछ नया सीखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा मिनरल मिक्सचर क्या है, आज के इस वीडियो में हम मिनरल मिक्सचर में कौन कौन से मिनरल होने चाहिए और कौन कौन से विटामिन होने चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पशुओं के शरीर में दो प्रकार के मिनरल होते हैं, मैक्रो मिनरल और मिक्रो मिनरल। दोस्तों, हम पहले चर्चा करते हैं माइक्रो मिनरल के बारे में। दोस्तों, माइक्रो मिनरल में सबसे पहले आता है कैल्शियम, दूसरे नंबर पर फॉस्फोरस, तीसरे नंबर पर पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और आयोडाइड। इस मिनरल की शरीर में बहुत ज़रूरत होती है। इसकी मात्रा पशु के शरीर में कमी होने से बहुत सारी बीमारियां पशु को जकड़ लेती है। इसके बाद बात आती है मिक्रो मिनरल की, यानी कि जिनकी मात्रा पशु के शरीर में कम होती है लेकिन पशुओं को ज़रूरत होती है। इनकी कमी होने से कई प्रकार की बीमारियां पशु को जकड़ लेती है। तो इस मिक्रो मिनरल के मुख्य रूप में आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, सेलेनियम, आयोडीन, मैग्नीज, जिंक और क्रोमियम ये आते हैं। इसके अलावा पशुओं के शरीर में विटामिन की भी ज़रूरत होती है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, बी थ्री, बी फोर, बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, बी एट, बी नाइन, बी टेन, बी ट्वेल्व, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एच यानी कि बायोटिन और विटामिन के। ये सारे विटामिन की पशु को ज़रूरत होती है। इसका मतलब है कि मिनरल मिक्सचर में माइक्रो, मिक्रो, मिनरल और विटामिन, इसकी सही कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। ये सब मिलाकर मिनरल मिक्सचर बनता है और इसकी मात्रा हर एक कंपनी के अपने अपने हिसाब से और फॉर्मूले के हिसाब से बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।